वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको बेसन के लड्डू बनाना बताऊंगी, जो बनाना बहुत ही आसान है, बहुत कम टाइम में इन्हें हम बनाकर आज तैयार करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ कुछ टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम बेसन, 250 ग्राम मैंने यहाँ पर लिया है शक्कर का बूरा, शक्कर के बूरे को हम तगार भी बोलते हैं, और हमने यहाँ पर लिया है घी। घी यहाँ पर लिया है मैंने 5 बड़े चम्मच। सबसे पहले हमें बेसन को भूनना है। मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक पैन लिया है, आप चाहे तो एल्यूमिनियम की कढ़ाई भी ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें घी ऐड करना है, एक साथ हम घी इसमें नहीं डालेंगे। अब इसमें हम बेसन ऐड कर देंगे। कम फ्लेम पे हमें इसको सेकना है। अब थोड़ा घी हम और ऐड करेंगे और इसको फिर से हम हिलाएंगे। घी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें ऐड करना है, क्योंकि जब बेसन पूरा अच्छी तरह से सेक जाता है तो ये घी छोड़ने लगता है, इसलिए कम फ्लेम पे हमें इसको लगातार चलाते रहना है। फुल फ्लेम पे हम इसको करेंगे तो ये जल जाएगा। इस तरह आप देख सकते हैं बेसन जो है हल्का हल्का सिकने लग गया है, इसका कलर भी चेंज होने लग गया है। इस तरह हमें इसको कम फ्लेम पे ही लगातार इसको हमें चलाते रहना है। बेसन के लड्डू बनाने में हमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट के अंदर हम इन्हें बना सकते हैं। एक खास टिप्स मैं आपको दूंगी, वो यह है कि बेसन के लड्डू टेस्टी और दानेदार बनाने के लिए हमें इस स्टेज पे जब ये बेसन पूरा सिकने को आ गया है, तब हमें इसमें 1/2 टीस्पून पानी हम इसमें ऐड करेंगे, जिससे बिल्कुल ये दानेदार जो है हमारे लड्डू बनेंगे। बिल्कुल जरा सा मैं पानी देख के इसमें छींटे मारूंगी और इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं सारे जो है दाने दाने हो गए हैं बेसन के। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए और चलाएंगे, बाद में हम गैस को बंद कर देंगे। बेसन जो है बिल्कुल सिक गया है, खुशबू भी अच्छी आने लग गई, आप देख सकते हैं। चलिए गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देंगे। बेसन जो है बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो चलिए अब हम इसमें शक्कर ऐड कर देते हैं और सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन्हें हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। शक्कर को हमने मिक्स कर लिया है, तो चलिए अब हम हाथ की सहायता से लड्डू बना लेंगे। इस तरह आप देख सकते हैं हमें दबा दबा के इस तरह हमें लड्डू बनाने हैं, बड़े आसानी से बन जाते हैं। ये देखिए इस तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे। इस तरह आप देख सकते हैं हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। आप चाहे तो इनमें इलायची या ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। लड्डू खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, लेकिन इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं बहुत ही कम समय में इन्हें बनाकर हमने आज तैयार किया है। ये लड्डू हम बनाकर रख सकते हैं, महीने भर भी खराब नहीं होते हैं। जब भी कहीं सफर पर जाए तो हम इन्हें साथ में ले जा सकते हैं, या फिर किसी भी त्योहार पर भी हम इन्हें बनाकर रख सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।